तो हे व्हाट्सअप गाइस, यार आज के एक और नई वीडियो के साथ। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम ऑफयोन का एक गेम प्ले करने वाले हैं, जो कि आपको पता ही होगा कि ब्लू डेटा पैड में ये आ चुका है। जैसे कि अभी नया इवेंट आया है, उसके अंदर ब्लू डेटा पैड के अंदर भी आपको ये फ्री में मिल रहा है, जो कि आप बिल्कुल ईजी निकाल सकते हो। तो आपको वो वीडियो भी मैं यहाँ पे डालूंगा, कल आई थिंक आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज इसका एक ऑफियन का एक गेम प्ले करेंगे और इसमें देखेंगे कि कितना पावरफुल है ऑफियन और कैसा इसका गेम प्ले रहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना जो गेम है हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना जो गेम है हमने बैकअंड्रेस स्टार्ट कर लिया है और यहाँ से हम अपना जो रोबोट से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे ऑफियन को हम ले लेते हैं, ऑफियन से हम स्टार्टिंग में फाइट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑफियन आ चुका है और साथ ही हमारे टीममेट भी यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं हम इससे कितने किल कर पाते हैं और कितना ज़्यादा इससे हम डैमेज दे पाते हैं और कैसे इसका एक्सपीरियंस, सब कुछ चेक करेंगे। तो आगे की तरफ चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे क्रिसियस है और आगे की तरफ और बंदे हैं, यहाँ पे साइड में भी क्रिसियस है, तो इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये हाइड हो गया है। तो यहाँ साइड वाले को बंदे को पहलते हैं। अरे भाई डैमेज देखो भाई आप कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, और यहाँ पे भाई इसकी एक शील्ड बन जाती है जो कि मस्त यार एकदम, मतलब अगर आपको कोई शील्ड ब्रेक करके मारता है तो आप मर सकते हो ऑफियन के ज़रिए। अदरवाइज़ अगर आप ऑफियन से फाइट लेते हो और दूसरे बंदे के पास अगर शील्ड ब्रेकर नहीं है तो वो आपको हिट नहीं कर सकता और आप ईज़िली बहुत तगड़ा डैमेज दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डैमेज कितना ज़्यादा जा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा पीछे फिर से चलते हैं आगे की तरफ। ओ भाई साहब यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको ख़त्म करने वाला हूँ और यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, और अगले वाले बंदे को भी यहाँ पे डैमेज जा रहा है लेकिन ये यहाँ पे बच चुका है। तो थोड़ा पीछे आते हैं वापस से ताकि हम रिकवर हो सके। साइड में भी बंदे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बंदे जो है काफ़ी डेंजर तरीके से खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा पीछे आता हूँ क्योंकि डैमेज देखो भाई कितना पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से यार ये कवर में चला गया है। तो यार ये बंदा जो है पूरा कवर में रह के खेल रहा है और यहाँ पे मेरे को किल नहीं मिल पा रहा है। डैमेज तो जा रहा है बहुत लेकिन किल यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। फिर से इसको डैमेज देने की कोशिश, लेकिन पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को जो है किल नहीं मिला है। बाकी डैमेज इतना सारा दिया हूँ लेकिन किल नहीं मिला है। तो फिर से एक बार कोशिश करेंगे इसी वाले बंदों को मारने के लिए। तो यहाँ पे भी रिकवर हम हो चुके हैं, तो वापस से एक फ्लाई करते हैं। चलो भाई इसी को फिर से पहनने की कोशिश करते हैं। मर जा यार ढीठ बंदे मर जा। फिर से कवर में चला गया है यार, फिर से वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई ये तो बच गया हमसे, तो इसको आई थिंक हमारी जो टीममेट है वो फिनिश कर देंगे यहाँ पे, और ये फिनिश हो भी गया है। ठीक है, लेकिन किल मेरे को नहीं मिला है, डैमेज मैंने बहुत दिया था। तो इधर वाले बंदों को देखते हैं, अभी यहाँ पे भी बंदे हैं काफ़ी सारे। तो थोड़ा सा आगे जाके मैं फ्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हल्का सा और चलो यहाँ पे फ्लाई करते हैं। और यहाँ शील्ड ब्रेकर मैंने यूज़ किया है, देखते कितना डैमेज जाएगा। तो यहाँ शील्ड ब्रेकर आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ, तो भाई ज़बरदस्त है। अगर आपके ओपोनेंट में भी ऑफियन है तो आपके पास शील्ड ब्रेकर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर शील्ड ब्रेकर आपके पास है तो आप ईज़िली अपने सामने वाले ओपोनेंट वाले ऑफियन वाले बंदों को आप ईज़िली मार सकते हो। तो यहाँ पे एक असिस्ट का पॉइंट मिला है, तो यहाँ पे अपनी HP भी यार बहुत कम है भाई, इससे ज़्यादा किल नहीं कर पाया अभी तक। और HP देखो भाई कितनी हो गई है। ठीक है, एक और यहाँ पे बंदा मेरे को दिखा, इसको पहलते। ओहो यहाँ पे एक और किल मिल गया है, तो इसको पहला। यहाँ पे थोड़ा पीछे आ जाते हैं वापस से, इसको देखो कितना डैमेज जा रहा है लेकिन बंदा फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी वापस से मैं जाऊँगा एक बार और फ्लाई करने के लिए। और यहाँ पे ओचो कोची भी मुझे लगता है आ चुका है, ओचो कोची वाला बंदा। आई थिंक ये ओचो कोची है या फिर कोई और है, एक बार देखते वापस से फ्लाई करके कि ओचो कोची है या फिर ये वैसे ही बंदा है। तो यहाँ पे ओचो कोची वाला ये बंदा है और यहाँ पे भाई देखो इसको डैमेज कितना पड़ रहा है, लेकिन भाई ओचो कोची एक तरीके से ढीठ बंदा है भाई। ठीक है, इतनी जल्दी तो मरेगा नहीं। और ये यहाँ पे कवर में चला गया और यहाँ पे मुझे लगता है कि अब यहाँ पे मेरा मरना तय हो गया। ओह यहाँ पे एक डैमेज गया भाई, एक वेपन टूट गया है यहाँ पे मेरा और आई थिंक मैं पूरा यहाँ पे फिनिश होने वाला हूँ। तो यहाँ पे भाई ऑफियन जो है वो समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से हमें अपना जो है ओचो कोची ले लेते हैं, क्योंकि सामने ओचो कोची वाला बंदा है। ठीक है, तो हम उसी को पहनने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं चला जाता हूँ इस रोड की तरफ और इसी को पहनने की कोशिश करूँगा। चल भाई चल, मर जा। अबे भाई यहाँ पे कवर में चला गया, थोड़ा सा और डैमेज देता हूँ। अरे यार ये टाइटन वाला बंदा भाई मेरी HP कम कर दी। टाइटन वाला बंदा भी यहाँ पे कवर ले रहा है और यहाँ पे मेरे को उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। उसको भी पता है कि इधर से मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इंदिरा वाला बंदा है, इसको टाइटन वाले को फिनिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे किल नहीं मिला, किल किसी दूसरे को मिल गया है।
तो मैं अभी वापस से ओचोकोची को ही मारने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पे ओचोकोची बहुत ही ढीठ और बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप के साथ है, तो इसको मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और साथ में इधर से ये वाला बंदा भी परेशान कर रहा है, तो इसको भी यहाँ पे पेलते हैं फटाफट से। तो इसकी HP कम है, लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो है वो बच चुका है मुझसे। और यहाँ पे मैं वापस से एक बार जाऊँगा इसके पास दौड़ के और इसको मारने की कोशिश करूँगा यहाँ से। चल भाई डैमेज तो काफ़ी जा रहा है, चल मर जा मर जा मर जा भाई साहब मर जा यार। डाउन 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 किल, तो यहाँ पे भाई एक किल मिल चुका है इसका, तो यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है। और यहाँ पे मेरे को भी कंटिन्यू शूट कर रहा है, आई थिंक यहाँ पे ऑफ टोन वाला बंदा मेरे को किल करने की कोशिश कर रहा है, और जाके मुझे लग रहा है कि ये कर भी देगा क्योंकि मेरी HP बहुत कम है और ये काफ़ी तगड़ा डैमेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिनिश हो चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम अपना दूसरा रोबोट लेते हैं जो कि क्यूरी, और ये एक नया रोबोट है। आपको पता होगा इसकी एक वीडियोज़ वगैरह भी मैंने बहुत सारी डाली हुई है अपने यूट्यूब पर, तो आप उन वीडियो को भी चेक कर सकते हो, उसका गेम प्ले और अच्छे से चेक कर सकते हो। बाकी इसका गेम प्ले इसमें भी आप देख सकते हो कि कैसा है। तो क्यूरी एक बहुत पावरफुल रोबोट है भाई, अभी नया नया आया है तो गज़ब का रोबोट है। अभी आपको इसका डैमेज वगैरह हर चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे आप खेलते हो अपना यहाँ पे आप यूज़ करते हो, जैसे कि ये वाला टॉरेट है, जैसे मैं आगे फेंक के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दो टॉरेट है, जैसे हम इनको फेंकते हैं तो यार ये कंटिन्यू शूट करते हैं। और यहाँ पे मैंने शील्ड ब्रेकर भी यूज़ किया जिसकी वजह से बहुत तगड़े वाला डैमेज पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑफियन वाला बंदा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो इसको यहाँ पे फिनिश करता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका किल मेरे को मिल चुका है और काफ़ी तगड़ा है भाई क्यूरी, मतलब यार गजब का। जब ये टॉरेट आगे फेंक देता है ना, तो भाई यहाँ जैसे मार्स में आप एक टॉरेट देखने के लिए मिलता है तो उसको फेंकते हैं तो वो कंटिन्यू शूट करता है, तो वहाँ उसी तरीके से ये भी शूट करता है। लेकिन यहाँ पे देखो स्टेलर सीरीज वाले बंदे ने भी अपना टॉरेट आगे फेंक दिया है, तो लेकिन मैं इसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ दूर से, लेकिन डैमेज तो बहुत जा रहा है। लेकिन वो फिर से कवर बना लिया, शील्ड बना लिया और यहाँ पे हील करने लग गया है। तो यहाँ पे रूक वाले बंदों को मैं डैमेज देता हूँ, देखो आप रूक वाले बंदों को कितना डैमेज पड़ रहा है। ठीक है, इसकी शील्ड जो है वो ख़त्म हो चुकी है एकदम से, लेकिन यहाँ पे किल मेरे किसी दूसरे बंदे को या टीममेट को मिल गया है, तो यहाँ पे इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ मैं। आई थिंक अभी दो बंदे बचे, एक ये वाला और एक आई थिंक दूसरी साइड है, ये दोनों एक ही साइड है। और यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं, एक और पीछे से बंदा आ गया, तो यहाँ पे किल तो आई थिंक मिल जाए मेरे को। ओचोकोची वाला बंदा आया भाई पूरे जोश में और भाई पूरे पावरफुल तरीके के साथ, लेकिन यहाँ पे भाई ये पीटने की कगार पे, और यहाँ पे ओचोकोची गया यहाँ से फिनिश। तो यहाँ पे ये वाला जो किल है मेरे को चाहिए क्योंकि मैंने इसको बहुत डैमेज दिया था, तो यहाँ पे डबल किल हो चुका है। और ऑफियन वाला बंदा इधर की साइड के साथ आ गया है और ये भी यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे और बंदे भी, शायद एक और बंदा बचा है। अरे यार यहाँ पे ये बंदा तो एग्जिट ले लिया है। ठीक है, इसको तो लगा कि यार नहीं बच पाऊँगा, अब खेल के क्या फ़ायदा। तो इसने यहाँ पे एग्जिट ले लिया और 31 हमारे किल हो चुके हैं, जिसमें से 15 किल हमारे ओपोनेंट वाले बंदों के हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले हुआ है अभी तक, और अभी तो यहाँ पे कोई और बंदा बचा नहीं है, तो हम यहाँ पे हो चुके हैं विक्ट्री। तो ये वाला जो मैच हम जीत चुके हैं, तो आई होप ये वाला जो गेम है वो आपको अच्छा लगा होगा, ये वाला गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।